afternoon dear students. Students, in this video we are going to start our new chapter. Chapter number 7, which is alternating current. सबसे पहले हमें alternating current के बारे में पता होना चाहिए तो ही हम इस chapter में आगे इसके बारे में discuss कर सकेंगे. देखो अभी तक आपने जो भी current पढ़ा वो था DC current, जो battery से हम current ले रहे थे. डीसी करंट वो करंट था जो क्या कर रहा था, अपनी वैल्यू एंड अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता था. लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है, ऐसा करंट जो क्या करेगा, अपनी वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज करेगा और अपनी डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज करता रहेगा. उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट. ऐसा करंट जिसकी वैल्यू एंड डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती रहे, उस करंट को अपने बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. देखो अल्टरनेटिंग करंट के बहुत से टाइप्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये है साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट. इसमें वेरिएशन कैसे आते हैं, जैसे ये साइन का फंक्शन हो. दूसरा है रेक्टेंगुलर अल्टरनेटिंग करंट. देखो इसमें करंट की वैल्यू एकदम से फिर नेगेटिव बन गई, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब एक रेक्टेंगल सा चल रहा है. ये प्लस आई मैक्सिमम वैल्यू, इधर ये माइनस आई मतलब नेगेटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. तो ये ऐसे करके इसमें फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं. तो ये कौन सा अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें देखो वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो गई, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, डायरेक्शन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है. तो ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, इसको रेक्टेंगुलर अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. सिमिलरली ये थर्ड है ट्राइंगुलर अल्टरनेटिंग करंट. इसमें फ्लक्चुएशन कैसे आते हैं, ऐसे ट्राइंगुलर फॉर्म में. ये दोनों फॉर्म्स है, आपको डिस्कस नहीं करनी है, हाई लेवल की क्लासेस में अपने डिस्कस करते हैं. और साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट इसको इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है कि करंट में वेरिएशन कैसे आ रहा है, जैसे साइन का फंक्शन हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो थी, करंट की बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, देखो देखो यहाँ पे पहुंच के मैक्सिमम होगी, फिर कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, यहाँ पे आके जीरो होगी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में करंट की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, फिर वापस जीरो. ऐसे करके ये एसी का एक साइकिल कंप्लीट हो गया. मैथमेटिकली देख लिया, थ्योरेटिकली देखो, थ्योरेटिकली देखो. सपोज ये वायर है मेरे पास, इमेजिन करो मेरे पास वायर है, मेरे पास वायर है, इसमें करंट चल रहा है. करंट की वैल्यू पहले जीरो से स्टार्ट हुई, जीरो से स्टार्ट हुई करंट की वैल्यू, इसको करंट मानो, करंट की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हुई, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, मैक्सिमम होगी मैक्सिमम होगी, फिर उसके बाद में जीरो होगी जीरो होगी, फिर डायरेक्शन चेंज की, अब अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी. इस तरह से करंट ऐसे वायर में चलता है. अल्टरनेटिंग करंट की कभी हम कभी भी ना, जब भी हम सर्किट बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट की अभी डायरेक्शन शो नहीं करेंगे. जैसे अभी तक हम डीसी में करते आए थे, डीसी में डीसी करंट में हम क्या करते थे, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे शो करते थे, ऐसे शो करते थे. लेकिन जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स लगाएंगे तब हम सर्किट में करंट की डायरेक्शन नहीं बनाएंगे. क्यों, अरे करंट की डायरेक्शन तो लगातार चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, जीरो से स्टार्ट हुई मैक्सिमम हुई फिर जीरो हुई फिर डायरेक्शन बदली मैक्सिमम हुई फिर जीरो हुई, ऐसे ऐसे वायर में करंट कैसे चलता है, ऐसे ऐसे एक ही जगह पे एंड फ्रो एंड फ्रो एंड फ्रो. ठीक है, मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो मैक्सिमम जीरो, डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ऐसे अल्टरनेटिंग करंट बायस में चलता है. तो अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन हम नहीं दिखाएंगे. अब मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, देखो याद करो सिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी जनरेटर हमने पढ़ा था. उसमें हमने वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू निकाली थी, वो क्या आई थी, ई इक्वल्स टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी. ठीक है, हमने बोला था अल्टरनेटिंग जनरेटर होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर एसी जनरेटर होता है वो एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करके हमको देता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था ई मैक्सिमम इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी. ईएमएफ वोल्टेज ही होती है, तो हम या तो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसी वोल्टेज को, या ई की जगह पे वी भी पुट कर सकते हैं. देखो चाहे तो ई मैक्सिमम, यहाँ पे आप वी मैक्सिमम भी लिख सकते हो या फिर वी नॉट भी लिख सकते हो, ये तो रिप्रेजेंटेशन है मैक्सिमम वैल्यू का, कैसे भी लिख सकते हो.
तो करंट एसी करंट को कैसे डिनोट करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को वी नोट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज दी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ओमेगा इज दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, टी इज दी टाइम, यानी कि इस पे आ जाओ तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी सीध में जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अपोजिट डायरेक्शन, आई नोट आई नोट, चाहे तो आई मैक्स भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, मन मारता बहुत बार ये आ जाता है कि हमारे घर में कितनी वोल्टेज आती है और उसका मीन क्या है, हमारे घर में आती है 220 वोल्ट की एसी वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल, हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आती है वो 1 सेकंड में 50 फ्लक्चुएशंस कर लेती है, 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है, इसका ये मतलब हुआ हमारे घर में कौन सी वोल्टेज आती है, एसी वोल्टेज आती है 220 वोल्ट की आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज का मतलब 1 सेकंड में वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है, अगर वो 1 सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट करती है तो देखो एक साइकिल में कितनी बार जीरो वैल्यू टच होती है, 2 बार, जैसे देखो मैंने यहां पे 2 साइकिल बनाई है, 1 2 1 2 3 4, 2 साइकिल में 4 बार करंट जीरो को टच कर रहा है, ठीक है, मतलब इधर स्टार्टिंग से निकल स्टार्टिंग 1 2 3 4, अब इसको नहीं गिनता क्योंकि ये नेक्स्ट साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, नेक्स्ट साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो इसको उसमें गिनेंगे, तो मतलब एक साइकिल में 2 बार करंट जीरो वैल्यू को टच कर रहा है, तो हमारा जो बल्ब जग रहा है उसमें एसी करंट की तो फ्लो हो रहा है, वो करंट 1 सेकंड में कितनी बार जीरो को टच कर रहा है, 50 साइकिल है, 1 साइकिल में 2 बार जीरो तो 50 साइकिल में 100 बार जीरो वैल्यू उसको टच करेगा, तो हमारा बल्ब 1 सेकंड में, हमारा जो बल्ब है 1 सेकंड में 100 बार बुझता है 100 बार जगता है, लेकिन इतना तेज होता है कि हमारी आई इतनी सेंसिटिव नहीं है कि इतने फास्ट प्रोसेस को वो डिस्टिंग्विश कर पाए, तो पता ही नहीं लगता हमको, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, 100 बार जग रहा है 100 बार बुझ रहा है, बल्ब बहुत फास्ट है, 1 सेकंड में 100 बार जग रहा है 100 बार बुझ रहा है, बहुत फास्ट है, तुम्हारी आपको पता नहीं लगता लेकिन ऐसा हो रहा है, और ये 220 वोल्ट है जो वो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू है ना कि एवरेज वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू क्या होती है ये इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, आरएमएस वैल्यू बोल दो या इफेक्टिव वैल्यू बोल दो या वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल दो, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू कोई एक तो है नहीं, यहाँ पे जीरो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ बढ़ गई, यहाँ पे कुछ बढ़ गई, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कम होगी, कम होगी, जीरो होगी, नेगेटिव में बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम एक वैल्यू तो है नहीं, तो एक वैल्यू हमने चूज की थी जिससे हम क्या कर सके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अच्छी तरह से स्टडी कर सके, तो उसके लिए अलग अलग स्नैरियो लिए गए थे, पहले एवरेज वैल्यू ली गई सेट नहीं बैठा, फिर आरएमएस वैल्यू ली गई वो सेट नहीं बैठा, क्यों सेट नहीं बैठा, कैसे आरएमएस वैल्यू को सेट बिठाया गया, कैसे वो स्टडी में हेल्प करती है, वो बनेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज का बेसिक था, नोट्स बना लेना तुरंत, इसको लर्न कर लो, कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, ऑल द बेस्ट, अभी नेक्स्ट वीडियो आरएमएस वोल्टेज पे।